वेलकम बैक ऑफ योर वीडियो। आज मैं इसमें बताऊंगा ड्रेन वर्क पे, जैसे कि घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त डीपीसी कैसे डालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्रेन वर्क है, ड्रेन कंस्ट्रक्शन वर्क है, और इसके ऊपर ये कोपिंग डाल रहे हैं, कोपिंग या फिर डीपीसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रेन वर्क का जो सेक्शन है हमारे जो अंदर से अंदर है 50 सेंटीमीटर है, 500 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो इंटरनल ट्रांस में है 500 हो गई आपकी, और जो ड्रेन की जो आपकी वॉल है दो बो साइड वॉल 230 मिलीमीटर, जो ब्रिक की थिकनेस है 200 मिलीमीटर। और इसमें क्या करते हैं, फर्मा लगाने के बाद डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी बोल सकते हैं कोपिंग। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले और ड्रेन के ऊपर ड्रेन वाल है, वाल के ऊपर कंक्रीटिंग डाल दी जाती है। इसकी जो ग्रेड रहेगी M15 मिनिमम ग्रेड रहती है, जो कोपिंग के लिए रहती है। M15 का मतलब होता है 1:2:4, 1 सीमेंट 2 सैंड एंड 4 एग्रीगेट, इससे अच्छी से कंक्रीट कर दिया। इसकी जो चौड़ाई है, कि जो जितनी चौड़ाई आपकी वॉल की है वही चौड़ाई आपकी इसकी रहती है। तो इस तरह से पूरे वॉल कोपिंग कर दिए। कोपिंग इसलिए डालते हैं जो आपकी जो टॉप फेस है, ये ब्रिक मेजरिंग है, प्लास्टर इसको कर देते हैं तब भी मेजरिंग टूटती रहती है। इसके ऊपर फर्मा रखते हैं, जो भी आप फर्मा लगते हैं, ढक्कन रखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, ये ढक्कन उसको बोलते हैं। तो वो इसके ऊपर रखा जाता है जगह जगह जाले टाइप में, और ड्रेनेज सफाई के लिए भी। और जो चिनाई होती है आपकी फ्यूचर में प्लास्टर के बाद, प्लास्टिक पानी बरसात के बाद ख़राब ना हो, इसलिए डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके ऊपर दो स्ट्रेंथ, एक तो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड करता है टॉप का, टॉप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इससे ब्रिक मेजरने की टॉप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। प्लास्टर की जो प्लास्टर जब हम इसके अंदर करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, नीट फ्रेश होता है आपका प्लास्टर के बाद, जो सीमेंट सैलरी आप उसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जॉइंट प्रॉपरली से फिलअप होना चाहिए अंदर से एंड बाहर से, उसके बाद प्लास्टर होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर आप घर में बना रहे हैं तो डीपीसी बीम, तो इस तरह से फर्मा रख दिया जाता है, नीचे वॉल के ऊपर सरिया रख देंगे, सरिया के बाद एंगल चैनल या फिर एल्यूमिनियम की पट्टी होती है मिस्त्री के पास, तो वो भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, कोपिंग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट करने के लिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।